नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाशन वाला में। दोस्तों आज अपने ब्लॉग में मैं एक ऐसा चीज़ दिखाने चल रहा हूं जो कि कई लोगों ने डिमांड किया है कि सेल्स ऑफिसर किस तरीके से आते हैं आपके शॉप में, किस तरीके से बात करते हैं, क्या चीज़ें हैं और क्या एक्चुअल में समझाते हैं। तो आज हमारी शॉप में एक एशियन पेंट के जो हमारे लोकल सेल्स ऑफिसर हैं अनिकेत भाई, वो अभी आए हैं और अभी आने के बाद वो हमें जो नया प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं और इस साल क्या फोकस है उसके बारे में वो अभी मैं ब्रीफ करेंगे। तो एक छोटा सा एक हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी करी है, तो देखिए किस तरीके से ये हमको समझाते हैं और किस तरीके से हम लोग का कन्वर्सेशन होता है। आप अगर इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें कमेंट करिएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से TSO हमारे हमें नए प्रोडक्ट के बारे में और नए फोकस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। हमारा प्रोडक्ट जिसके लिए हम अभी डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है हमारा ऑल प्रोटेक्ट, रॉयल ग्लिट्स एंड अल्टीमा स्ट्रेच। ये तीन प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली कंपनी जो है अभी फोकस करके इसके ऊपर में डिस्कशन करना है हमें। जैसे कि हम फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा है एप्कोलाइट एडवांस शाइन, ठीक है, एप्कोलाइट ऑल प्रोटेक्ट। एप्कोलाइट ऑल प्रोटेक्ट के बारे में जैसा कि हम बात करें तो कंपनी ने इसको डीलर्स के प्रॉफिटेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। करंटली इट इज़ ओपन फॉर ऑल, अभी ये सबके लिए ओपन है, बट इसमें हम लोग जो बेनिफिट्स और जो फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि क्या हम कस्टमर को एडिशनल दे रहे हैं और किस वजह से कस्टमर को ये परचेस करना चाहिए वो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, जिससे कि कस्टमर को भी एक कॉन्फिडेंस आए इस प्रोडक्ट को लेकर के और आप भी इसको कॉन्फिडेंसली पिच कर सके आगे कस्टमर को। फर्स्ट क्वालिटी की बात करेंगे तो एडवांस स्टेन गार्ड। एडवांस स्टेन गार्ड का अगर हम डेफिनेशन देखें तो किसी भी तरीके का आप जो है दाग को इसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट के अंदर में जाएंगे तो इस प्रोडक्ट में कंपैरिजन सीट इस तरीके से कंपनी ने दिखाया हुआ है, ठीक है, कि हम किस तरीके के दाग्स को यहाँ पे जो है रिमूव कर सकते हैं, लाइक टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, आपका केचप है, सोया सॉस हो गया, उसके बाद आप देखेंगे तो ऑयल प्लेट्स हो गए, वाइट बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड मेकर, लिपस्टिक, शू पॉलिश एंड पेंसिल्स। तो किसी भी तरीके के दाग को आप इससे ईजिली रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मल पानी से कि जी नहीं, इसका सर प्रोसेस ये है कि जैसे ये एक डेमो किट भी कंपनी जो है अपन लोगों को दे रही है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक फोम घर में मतलब रोज़मर्रे की उसमें यूज़ करके इस पर हल्का सा शैम्पू लेकर के आप इसको जो है वाइप करेंगे और हल्का सा पानी डाल करके जी, तो आपको इससे पेंट बिल्कुल ही मतलब हार्म नहीं होगा, पेंट आपका वहाँ से जैसे है वैसे ही रहेगा, एज इट इज़ जैसा आपका नए में था, बस वो दाग धब्बे जो है वो वहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरीके का फोम के साथ अपने को जो है कोई ऐसा डिटर्जेंट यूज नहीं करना है, नहीं बिल्कुल नहीं सर जी, शैम्पू के थ्रू इसको जो है जी इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है सर। बाकी अगर हम देखेंगे तो इसमें मतलब कंपनी ने ये भी दिखा रखा है, कंपटीशन का भी मतलब एक हम लोगों ने सर्वे किया हुआ था तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बाकी जो कंपटीशन में ब्रांड्स है तो उसमें केचप हो गया, वैक्स हो गया या ऑयल प्लेट्स या लिपस्टिक या पेंसिल, इस तरीके के दाग वो इजीली रिमूव कर सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जो लिक्विड काइंड ऑफ मटेरियल्स है उनको वो क्लीन नहीं कर पाते जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर जी, तो वो उस तरीके के दाग को जो है वो कंपटीशन प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं वो नहीं क्लीन कर पाते, तो ये एक बेस्ट बेनिफिट आप बता सकते हैं। सेकंड बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे लोटस इफेक्ट। लोटस इफेक्ट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से हम कहें कि जो दीवार अपना पानी को एब्जॉर्व करता है, अगर हम एक ग्लास आप जो है पानी मारिए दीवार के ऊपर में तो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्व करता है, लोटस इफेक्ट में ये है कि वो एक डॉट मतलब पानी की एक बूंद बनकर दीवार पर रह जाती है और ये वहाँ से निकल करके बाहर आ जाता है, तो ये इफेक्ट है इसके अंदर में लोटस इफेक्ट। थर्ड हम बात करेंगे फ्रेगनेंस को लेकर के। फ्रेगनेंस अभी तक मतलब कंपनी ने जो है प्रोडक्ट्स में नहीं दी हुई थी, आज के डेट में ऑल प्रोटेक्ट शाइन के अंदर में कंपनी ने एक फ्रेगनेंस भी दिया हुआ है। फ्रेगनेंस का ये नहीं कि मतलब हम 6 महीने 1 साल के लिए उसको क्लेम कर रहे हैं, फ्रेगनेंस एक ऐसा है कि जैसे पेंट कराने के बाद कस्टमर इमीडिएट एंटर नहीं कर सकता अपने घर में, एक हैजार्डस थोड़ा सा वो रहता है कि ठीक है 2-3 1 दिन उसका स्मेल जाने में टाइम लगता है, बट इन ऑल प्रोटेक्ट यू कैन इजली एंटर इन योर हाउस, ठीक है, जब भी आप पेंट करा रहे हैं आप इजली एंटर कर सकते हैं अच्छी खुश को। और इसका कोई वैसा टाइमलाइन फिक्स नहीं है सर, ठीक है, मतलब ये डिपेंड करेगा आपके मतलब डे टू डे लाइफ के ऊपर में कि किस तरीके का आप जो है डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ कर रहे हैं या आपके घर में किस तरीके का आप इसको इन्वायरमेंट मतलब है, तो उसके ऊपर ये कम्प्लीटली निर्भर करता है, ठीक है। तो फ्रेगनेंस के बाद हम अगर बात करेंगे तो एक जो बेस्ट फीचर अभी तक हम इस प्रोडक्ट के अंदर में बता रहे हैं या मतलब मार्केट में भी जो हम लोग इसको पिच कर रहे हैं, एक्सलेंट फ्लेम रिटार्डेंसी, ठीक है,
इसके अंदर में क्या है कि अगर कहीं पे छोटा मोटा जैसे अगर आग लगा हुआ है या मतलब किसी तरीके कोई अनहोनी आग के वजह से हो रही है तो आग को ये फैलने नहीं देता है, मतलब ये कंट्रोल्ड वे में, जो कहते हैं ना कि बहुत धीरे धीरे फैलना, अच्छा मतलब वो जला बुझ गया जी, हाँ बहुत धीरे धीरे, मतलब जो है ना बहुत स्लोली वो आग स्प्रेड होगा, ऐसा नहीं कि मतलब हम कह रहे हैं कि आग बंद हो जाएगा या रुक जाएगा, बट एक होता है कि आग जिस स्पीड से बढ़ता है उस स्पीड से ना बढ़ करके एक स्लो मूवमेंट में जो है आग आपका बढ़ता है। तो ये इसके मतलब क्वालिटीज़ हैं जिसके बिहाफ पे आप कस्टमर को पिच कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो है कंपनी ने इसके अंदर में दो जैसे ये सैंपल दे रखी है कंपनी ने फिनिश को लेकर के, जो कि हम कस्टमर को भी दिखा सकते हैं, दो सैंपल्स बने हुए हैं इसके ऊपर में, एपकोलाइड ऑल प्रोटेक्ट, ठीक है, लेमन पाई एंड अनदर वन इज़ एरल ग्रे। तो ये आप दो शेड्स जो है कस्टमर को भी दिखा सकते हैं किस तरीके का फिनिश है इसके अंदर में, ठीक है। सो दिस लीफ विल हैंड ओवर टू यू, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे इसी के अंदर में रॉयल ग्लिट्स के बारे में। रॉयल ग्लिट्स इट्स सेल्फ अ स्टेटमेंट, अगर हम रॉयल की बात करें तो रॉयल अपने आप में एक ब्रांड आज के डेट में जो है लोग नाम से जान रहे हैं इस प्रोडक्ट को। इसके अंदर में हम चार वेरियंट ऑलरेडी सर्व करते हैं, रॉयल, रॉयल शाइन, रॉयल मैट, स्पायरा, रॉयल हेल शील्ड, देन वी हैव लॉन्च रॉयल हेल शील्ड। ये प्रोडक्ट हम लोगों ने लास्ट ईयर में लॉन्च किया हुआ था। इसके अंदर में हम क्लेम करते हैं कि अल्ट्रा शील्ड ग्लिट्स जी, ग्लिट्स के अंदर में ये अभी तक का बेस्ट इन क्वालिटी कह लीजिए, बेस्ट इन सीन कह लीजिए, अगर सीन लेवल पे स्पायरा से ऊपर है, यस सर, स्पायरा से ऊपर है ये प्रोडक्ट जो है। स्पायरा के अंदर में हमारा सॉफ्ट सीन है, बट इस प्रोडक्ट के अंदर में जो है आपको अल्ट्रा शीन मिलता है जी, बिल्कुल। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से कंपनी ने इसको सेग्रीगेट, जैसे हमारा ये रॉयल रेंज है, ठीक है, उसके बाद हम रॉयल हेल्थ शील्ड को, देन रॉयल स्पायरा, एंड देन आफ्टर रॉयल ग्लिट्स, ठीक है सर। तो इस तरीके से ये अपना जो है प्रोडक्ट है। अगर हम शीन लेवल की बात करेंगे तो ये हमारा शीन लेवल चार्ट है इन कंपैरिजन टू रॉयल। हम लोग अपने प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करें तो रॉयल ग्लिट्स इज अल्ट्रा शीन, रॉयल स्पायरा सॉफ्ट शीन, रॉयल हेल्थ शील्ड सॉफ्ट शीन, रॉयल साइन हाई शीन, एंड रॉयल एडवांस इमल्शन एंड रॉयल इमल्शन सॉफ्ट सीन जी। सीन का अगर परसेंटेज आप देखते हैं तो हेयर रॉयल ग्लिट्स हैव 40-50% का रेशियो है इसके अंदर में, ठीक है। 60% अगर इसको एक्यूमुलेट करें या 60% के अनुसार देखते हैं तो ठीक है। इसके अंदर में अगर इस हिसाब से इसको जो है पैरामीटर्स दिए गए हैं कि मतलब रॉयल के अंदर में 8-10% है, रॉयल एडवांस अपना 12-14%, तो इस हिसाब से दिखाया गया है। सेकेंडली इसके अंदर हम बात करें तो एज़ यूजुअल जैसे हम रॉयल में टेफ्लॉन सरफेस प्रोटेक्टर बोलते हैं तो टेफ्लॉन क्वालिटीज़ इसके अंदर में भी है, ठीक है। आपका जो है स्टेन रिलायंसी है, एंड देन हम अगर बात करें फिनिश के ऊपर में कि फिनिश को लेकर के मतलब जो है अगर रॉयल ऑलरेडी मार्केट में है और फिनिश को लेकर के अगर हम डिस्कशन करें तो और क्या बेटर दे सकते हैं, तो हम इसको बोलते हैं प्यू लाइक फिनिश। अगर अल्ट्रा शीन दे रहे हैं हम तो इसमें हमने एक मतलब आप एक्सपेरिमेंट कहिए या कंपनी ने एक एडिशनल जो है बेनिफिट दिया हुआ है कि अगर आप GX19 के थ्रू स्प्रे पेंट के थ्रू अगर इसको पेंट कर सकते हैं तो उसमें प्यू लाइक फिनिश आता है अल्टीमा स्ट्रेच के अंदर, सॉरी रॉयल ग्लिट्स के अंदर जी, रॉयल ग्लिट्स के अंदर में अगर इसके थ्रू हम लोग इसको स्प्रे से अगर पेंट करते हैं तो उसको अगर देखने के लिए आप देखें तो यहाँ पर हमने रॉयल रोलर फिनिश और इसका क्या बोलते हैं रॉयल ग्लिट्स में स्प्रे फिनिश को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है फिनिश देख सकते हैं। यहाँ पे आपका स्प्रे फिनिश है, ये सर ये आपका स्प्रे फिनिश, ये स्प्रे फिनिश है, दिस इज कन्वेंशनल, ये आपका रोलर फिनिश है, ये रोलर, ये हो गया आपका स्प्रे, ये आपका स्प्रे और ये रोलर, ठीक है। तो ये आप फिनिश जो है कहीं भी ऐसे देख सकते हैं जी। तो इस हिसाब से जी स्प्रे वाले में आपका जो है मतलब स्मूथनेस, इसमें हम लोग बोलते हैं कि इट्स लाइक अ ग्लास, अगर आप यू लाइक फिनिश का मतलब ये होता है कि ग्लास के तरीके से आपको जो है जी फिनिश मिलता है। तो ये इसका बेस्ट बेस्ट इन क्लास कह सकते हैं। अगर हम इसको या तो ये यूएचएस मशीन से या अपना ये क्रैको GX19 के थ्रू में जो है हम इसको रिकमेंड करते हैं इंटीरियर्स में। तो ये जब जब हम ये चीज यूज करते हैं तो इसमें नोजल वही यूज होगा जो रॉयल में यूज हो रहा था? नहीं सर, जो क्योंकि इसमें दो नोजल मिलते थे जी, तो इसमें जो नोजल यूज होगा इस प्रोडक्ट के लिए जी जी, क्योंकि जब ये मशीन आई थी तब तो रॉयल ग्लिट्स था नहीं, नहीं बिल्कुल, तो ये नहीं। जो रॉयल में यूज हो रहा है स्प्रे के लिए ये यूएचएच सर, हम अलग GX19 इसमें हम GX19 रिकमेंड कर रहे हैं, यूएचएच जो अपना है वो अलग है सर, अलग जी, हम इसमें GX19 को रिकमेंड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है सर। थर्ड हम अगर सर इसके अंदर में हम बात कर लें तो क्रैक फ्री परफॉर्मेंस रॉयल ग्लिट्स के अंदर में,
ठीक है, इसके अंदर में एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि कंपनी इसमें एक्सक्लूसिव जो हमारे ई जी सी आर काउंटर्स हैं, सी आर काउंटर्स हैं, तो वी आर ऑफरिंग हिम सव्यसाची इफेक्ट्स। ओके, सव्यसाची में क्या है कि वी आर ऑफरिंग 35 एक्सक्लूसिव शेड्स इन रॉयल ग्लिट्स ओनली। ठीक है, ये हम सिर्फ आफी के काउंटरों पे ऑफर करते हैं, न कि सारे काउंटरों पे रॉयल ग्लिट्स को। एंड रॉयल ग्लिट्स ऑल्सो वी आर ऑफरिंग टू द सी आर एंड ई जी सी आर काउंटर्स ओनली, सो यू कैन मेक योर प्रॉफिट्स इन दिस प्रोडक्ट। ठीक है सर, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे अल्टीमा स्ट्रेच के बारे में। अल्टीमा स्ट्रेच जो हमारा प्रोडक्ट है, अल्टीमा स्ट्रेच प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी अल्टीमा मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अल्टीमा स्ट्रेच उससे ऊपर हम सुपीरियर प्रोडक्ट बता रहे हैं, अल्टीमा को अपग्रेड। जी, अल्टीमा अब हमारा ये सर कभी भी प्रोसेस नहीं रहता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो है अपग्रेड करें या उसको जो है हम अपडेट कर रहे हैं कि ठीक है आप अल्टीमा नहीं अल्टीमा स्ट्रेच भेजिए, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अपनी अपनी जगह पे हैं एंड दोनों प्रोडक्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो पॉकेट्स भी अलग अलग हैं। ठीक है, प्राइस वाइज देखेंगे तो बहुत कॉम्पिटिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर 20 रुपये बकेट का फर्क है दोनों के अंदर में, बट क्वालिटी वाइज अगर हम बात करेंगे तो या डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। कस्टमर को फिर कैसे ये बताएं सर? वही मैं बता रहा हूँ, अल्टीमा जी, हाँ, तो ये अल्टीमा की सेल को ये एक तरीके से डेंट करेगा। बिल्कुल सर, इसमें देखिए बताने के लिए क्या है सर कि जैसे अल्टीमा जो लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है सर, हम ये प्रोडक्ट प्रॉफिट के लिए आपको पिच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सर दोनों के प्राइस पॉइंट भी आप अपने हिसाब से कस्टमर को पिच करेंगे पहला। दूसरा सर, क्वालिटी वाइज अल्टीमा में, जैसे अल्टीमा और अल्टीमा स्ट्रेच में आप बता सकते हैं कि अल्टीमा स्ट्रेच में वी आर गिविंग द 7 ईयर्स वारंटी। ठीक है, सेकंड बता सकते हैं कि इसमें जो DPU है, डस्ट पिकअप रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी एंड अनदर वन इज स्ट्रेच प्रॉपर्टी, तो जो दोनों प्रॉपर्टी है वो एक साथ हम इस पेंट के अंदर में दे रहे हैं, शायद ही किसी पेंट की कंपनी ने अभी एक साथ में ये दोनों प्रॉपर्टी दी है। ठीक है सर, तो इससे क्या होता है कि आप अगर देखेंगे तो पेंट जो एक्सट्रैक्ट होता है तो वो आपका फटने से मतलब रोकता है, इसको फिल्म जो है प्रोटेक्ट करता है। आप देखेंगे बाहरी दीवारों में जाले टाइप के बनते हैं पुट्टी उट्टी करने के बाद, हेयर क्रैक्स, जी हेयरलाइन क्रैक्स आते हैं, तो उस तरीके के क्रैक्स को ये इजिली मेंटेन करता है, मतलब इसीलिए इसके इट्सेल्फ अ नेम स्ट्रेच, अल्टीमा स्ट्रेच। आप जहाँ बात कर रहे थे कि हम अपग्रेड जो है अगर अल्टीमा से अल्टीमा स्ट्रेच को मतलब कैसे वो रोके, तो अल्टीमा अब जैसे हम बात करें सर कि प्रीमियम मल्शन और प्रीमियम एप्पल एड एडवांस शाइन, तो दोनों मैट फिनिश में था बट दोनों के मतलब प्रॉपर्टीज अलग अलग है, एक को मैट फिनिश चाहिए एक को जो है शीन में चाहिए, तो सिमिलरली आप जो है इसके अंदर में जैसे देख रहे हैं कि इट्सेल्फ गंदगी टिकने ना दे सर्वोत्तम क्रैक ब्रेजिंग के साथ में, तो ये प्रॉपर्टी हम अल्टीमा में मतलब जो है ऑफर नहीं करते, और जो लोग ऑलरेडी अल्टीमा मतलब यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक अच्छा अल्टीमा में डस्ट प्रूफ टेक्नोलॉजी तो है ही। है सर बिल्कुल है, उसमें हम 7 ईयर्स वारंटी परफॉर्मेंस जो है मतलब जो नहीं है जी स्ट्रेच वाली जो प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर में नहीं है, स्ट्रेच वाली मतलब जी क्रैक ब्रेजिंग वाली। तो ये हमारा मतलब तीन प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करने के उद्देश्य से थे। ठीक है सर, ये इस तरीके का एक लीप भी है, पॉकेट लीप, जो हम अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जो है इन फ्यूचर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी तरीके से ऑल प्रोडक्ट। इस साल ये फोकस प्रोडक्ट रहेंगे जी सर, ये पूरा साल जो है कंपनी का फोकस इन प्रोडक्ट्स के ऊपर में रहेगा, प्लस बेस हमेशा मिलते रहेंगे। हाँ सर, ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा सर। ये हुआ कि आपने नहीं सर, लास्ट ईयर वी हैव लॉन्च जस्ट, ठीक है, तो इस साल हम लोग उसको कम्प्लीटली प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी वो नहीं मिला, और इस तरीके के कार्ड्स हम जो है मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसके ऊपर हम उसके बेनिफिट्स और वो मेंशन है ऑल प्रोटेक्ट को लेकर के। साथ में सर अब हम बात करें कि मतलब ठीक है प्रोडक्ट्स तो कंपनी लॉन्च की है, अपने लिए मतलब अगर हम डिस्कशन करें तो इस तरीके का एक नॉर्थ स्टार करके जो है कंपनी ने स्कीम लॉन्च किया हुआ है, दिस इज़ फॉर 1 अप्रैल to March 23rd। ठीक है, दिस विल बी कंप्लीट हिडन, अच्छा, इसमें आपको कुछ भी बताया नहीं जाएगा कि क्या सीएन है या क्या अमाउंट है, लाइक अगर मार्केट में रेट्स का प्रॉब्लम या हाँ इस तरीके का इसमें रहेगा कि अगर हिडन है तो एक्स हिडन भी हो सकता है, 2x हिडन भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, मतलब वो 1 रुपये से लेकर के मतलब इन्फिनिटी जो मतलब उसमें देख सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया सर थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब क्वार्टरली भी रहेगा ये और ईयरली भी रहेगा। ठीक है, इसमें हम मेनली जो है 2 प्रोडक्ट को कवर कर रहे हैं, ऑल प्रोटेक एंड रॉयल ग्लिट्स को। ठीक है सर, उसके बाद जैसे ईयरली के अंदर में हम बात करें तो ईयरली डेफिनेटली एक वॉल्यूम क्राइटेरिया रहेगा अपने साथ में, टारगेट वी विल डिस्कस सेपरेटली। तो इसमें सर आपका जैसे हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स हम प्रीमियम और लग्जरी के कवर कर रहे हैं। ठीक है सर, जैसे कि एपेक्स से स्टार्ट, अच्छा, मतलब इस स्कीम में सभी कुछ है जी, प्रीमियम कैटेगरी में, प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी सारा इंक्लूड करेंगे बट फोकस्ड वे में, जैसे हम ये सारे जी स्टार्स है सर, मेनली इसमें स्टार्स अपने को कलेक्ट करना है। तो जैसे अगर आप देख रहे हैं सर यहाँ पे कि कंप्लीट योर प्रीलक्स एनुअल टारगेट, तो उसमें आपको 2 स्टार मिल रहे हैं। ठीक है, 7% से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होना चाहिए। सेकेंडली हम अगर बात करें सर तो
तो ऑल प्रोटेक का वॉल्यूम है, ठीक है, कि कंप्लीट योर ऑल प्रोटेक वॉल्यूम टारगेट यू विल गेट 1 स्टार। यहाँ पे सेकंड में आप देखेंगे रॉयल ग्लिट्स का, अगर आप अपना वॉल्यूम टारगेट करते हैं तो यहाँ से 1 स्टार मिलता है। तो ऐसे अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, ठीक है, टोटल हम लोगों को इसमें जो है मतलब इस तरीके से स्टार्स दिए हुए हैं, 8 स्टार्स तक आप जा सकते हैं। और इस 8 स्टार में आपको 2x हिडन बेनिफिट है जो भी अमाउंट होगा उसका, तो ठीक है सर। तो ये स्कीम है, मतलब ये स्कीम इसलिए नहीं बताई जा रही है कि मार्केट में वो कट के, हाँ, आपके प्रॉफिट को हम इंश्योर कर रहे हैं इसके थ्रू में, ठीक है, कि जो कंपनी स्कीम्स डाल रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गिविंग दिस स्कीम जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए, ठीक है सर। किसी डीलर को जो प्रॉफिट हो वो उसको हिडन हो, जी बिल्कुल, वो मतलब ऐसा ना हो कि वो भी अपना जो है स्पेंड कर दे वो अपने बिजनेस में ही, तो दैट वी विल इंश्योर कि वो आपको लास्ट में एक हिडन अमाउंट हम लोग दे रहे हैं। That's all, sir, from my side, and this is for your shop boys. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much.